पश्चिम बंगाल में 5 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। ऐसे में 5वें चरण के लिए सबसे ज्यादा 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है। ऐसे में वोटिंग खत्म होती ही बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि इसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि उत्तर बंगाल में 2024 में बड़ा उलटफेर हुआ था, अब क्या होने वाला है, क्योंकि बंगाल के लिए 78% 5वें चरण में वोटिंग हुई है। ऐसे में 5वें चरण के लिए 45 विधानसभा सीटों के लिए क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि 2016 में अगर बात की तो 45 सीटों पर 81% मतदान हुआ था, लेकिन वोटिंग के दौरान बंगाल में कई जगहों पर ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। उस दौरान अगर बात करें तो 78% मतदान भी हुआ है और 5वें राउंड में काफी कुछ तय हो जाएगा बंगाल में आखिर क्या होने वाला है। अगर बात करें तो बंगाल के लिए 2016 में जो समीकरण थे उसमें अगर बात करें तो टीएमसी को इन 45 सीटों में से 32 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 5 विधानसभा सीट, इसके अलावा सीपीआईएम को 5, 1 सीट पर बीजेपी और 3 सीट पर अन्य को यहां पर जीत मिली थी। लेकिन 2019 लोकसभा में सारे आंकड़े यहां पर बदल गए थे और 45 सीटों पर बीजेपी को ज्यादा वोट शेयर मिला था, यानी उत्तर बंगाल बीजेपी के लिए काफी कुछ तय कर देगा। अगर बीजेपी जीतती है तो उत्तर बंगाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो यहाँ पर आंकड़े एक्सपर्ट ने दिए हैं और 2019 लोकसभा के भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात करें अगर बंगाल के लिए सबसे ज्यादा उत्तर 24 परगना के लिए 16 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, जबकि अलावा पूर्वी वर्धमान की 8 विधानसभा सीटें, नादिया की 8, दार्जिलिंग 5 विधानसभा सीटों पर, यहां पर बात करें जलपाईगुड़ी की 7, इसके अलावा कालिम्पोंग के 1 विधानसभा सीटों के लिए 5वें राउंड में वोटिंग हो चुकी है। अब 5वें राउंड के लिए जो आंकड़े हैं उसमें तो टीएमसी का पलड़ा 2016 में भारी था, लेकिन 2019 में सारे आंकड़े बदल गए और 2021 में क्या होगा इसके भी आंकड़े आपको देते हैं। जानकर मानते हैं कि उत्तर 24 परगना पूर्व वर्धमान नादिया जिले की तृणमूल कांग्रेस की अच्छी पकड़ है, क्योंकि यहां पर जो वोटर्स हैं वो सपोर्ट किया था 2016 के लिए, लेकिन बीजेपी ने जिस कार से यहां पर लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर किया था, दार्जिलिंग कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी जिले से जिलों में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन अगर बात करें तो 2016 के चुनाव में दार्जिलिंग में 6 विधानसभा सीटों में टीएमसी ने अपना खाता भी नहीं खोला था और यहां पर बीजेपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी उत्तर बंगाल में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इस दम पर बीजेपी दावा कर रही है कि यहां से तय हो जाएगा आखिर बंगाल में कौन जीतने वाला है। और बंगाल के लिए अगर बात की तो 8 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, काफी महत्वपूर्ण हो चुका था। ऐसे में बंगाल के लिए अगर बात की तो 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों में सबसे पहले बात करते हैं नादिया की 8 विधानसभा सीटों में जो आंकड़े हैं, आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी को यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर, जबकि अन्य के खाते में यहां पर सीपीआईएम को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर एक्सपर्ट ने लगाया है, क्योंकि बंगाल में काफी कुछ आंकड़े अब बदलते नजर आ रहे हैं। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है जो आंकड़े हैं, और 5 की 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तर 24 परगना लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन 2016 में यहां पर टीएमसी को अच्छी पकड़ थी, लेकिन काफी कुछ अब आंकड़े बदल रहे हैं, जिस कारण से यहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ जो गठबंधन हुआ है तैयार, इसके अलावा अजुद्दीन ओबीसी और अब्बास सिद्दीकी भी चुनावी मैदान में है, इस कारण से उत्तर 24 परगना में भी जो है टीएमसी को नुकसान होने की संभावना है। इस कारण बीजेपी को यहां पर 10 विधानसभा सीटों पर जबकि टीएमसी को 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जबकि पूर्वी वर्धमान की 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 विधानसभा सीटें और यहां पर टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। हो सकता है कि बीजेपी यहां पर माहौल बना ले, जिस प्रकार के आंकड़े हैं और जिस प्रकार से 5वें राउंड में वोटिंग हुई है, और यहां पर आंकड़े कहते हैं कि सीपीआईएम को भी 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि यहां पर बात करें जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, और एक्सपर्ट ने आंकड़े कहे कि लोकसभा में जिस प्रकार से बीजेपी ने जलपाईगुड़ी में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उस कारण लोकसभा के बाद अब विधानसभा में भी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है। ऐसे में बीजेपी को यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, जबकि टीएमसी को 2 और सीपीआईएम को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिल सकती है, जो 45 विधानसभा सीटों के लिए 6 जिलों के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो कालिम्पोंग 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहां पर बंगाल के लिए 5वें राउंड के लिए लगाया जा रहा है। तो क्या बंगाल में बीजेपी 2019 लोकसभा के आंकड़े 2021 में दोहरा पाएगी या नहीं, इसको लेकर एक्सपर्ट ने जो यहां पर जानकार है उन्होंने अपने आंकड़े दिए हैं, उसमें अगर बात करें तो 45 विधानसभा सीटों में बीजेपी को यहां पर करीब 22 से 25 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि टीएमसी की बात करें तो करीब 12 से 16 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस गठबंधन
शाम को करीब 5 से 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य के खाते में भी 2 विधानसभा सीटें जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, बंगाल की 45 विधानसभा सीटों में से किसे कितनी सीटें मिल सकती है, इस पर अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि बंगाल की 45 विधानसभा सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है और उत्तर बंगाल के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में 5वां राउंड किसके पाले में जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना लेगी या फिर टीएमसी ही एटी की तरफ बढ़ेगी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और दोस्तों, आपको बहुत जल्द 5वें राउंड के लिए जो यहाँ पर वोटिंग हुई है उसके बाद सभी राउंड के लिए आपको महत्वपूर्ण एग्जिट पोल भी देने वाला है, तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं और सटीक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।